और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब पहुंच चुकी हैं मनु भाकर। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची हैं मनु भाकर। तो अब ओलंपिक ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर एक और खुशखबरी। 590 अंक के साथ फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुके हैं। कल दोपहर में होगा 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल। तो पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल जीत चुकी है मनु भाकर और ये एक और बड़ी जीत के करीब पहुंच चुकी है। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब पहुंची हैं मनु भाकर। बता दें 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु भाकर पहुंच चुकी है। 590 अंकों के साथ फाइनल में मनु भाकर पहुंची। शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह बना ली। तीरंदाजी में भारत के अंकिता भगत धीरज की मिक्स टीम कुछ देर में क्वार्टर खेलने वाली है, लेकिन मनु पहले ही एक रिकॉर्ड बना चुकी है एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने का और अब वो तीसरे मेडल के करीब पहुंच रही है। दो मेडल पहले ही जीत चुकी है वो, एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने का भारत का ये पहला रिकॉर्ड है। कल दोपहर में 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल होना है। पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल पहले ही मनु भाकर अपने नाम कर चुकी हैं और अब एक और मेडल अपने नाम करने जा रही हैं। आपको बता दें 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल होने जा रहा है। पेरिस ओलंपिक्स में दो मेडल पहले ही जीत चुकी हैं। कल दोपहर में होगा 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल और पूरी पूरी जीत की उम्मीद है। ओलंपिक्स में एक और मेडल के करीब मनु भाकर पहुंच चुके हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के।